खबर शिवपुरी के गुरु नानक स्कूल से है, जहां आज गुरु नानक स्कूल में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई, जिसमें पदाधिकारी पधारे और अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बताना होगा कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन शिवपुरी में आज गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल राघवेंद्र नगर में आज प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ शिवपुरी जिले के समस्त प्राइवेट स्कूल संचालक और PAC मेंबर्स शामिल हुए। और वहां पर पधारे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल दीक्षित, संभागीय अध्यक्ष संतोष उपाध्याय, संभागीय उपाध्यक्ष रंधावा गोना से पधारे, स्कूल संचालक मुरैना प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष शर्मा और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिवपुरी जिले से समस्त डायरेक्टर मौजूद रहे। आज यहाँ पर मीटिंग थी गुरु नानक स्कूल में, सर आपको संपन्न हुई है, उसमें आपको अध्यक्ष निर्वाचित किया है, कैसा महसूस हो रहा है और आपको क्या दायित्व दिए गए? सर, जब भी दायित्व हमें मिलता है बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जब जब भी दायित्व मिलता है हमें हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। आज मुझे स्कूल एसोसिएशन ने, स्कूल संचालकों ने एक बार पुनः स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना है। मैं मेरे सभी स्कूल संचालक भाइयों को और साथ में शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज उनके नेतृत्व में मेरे सभी संचालक साथी जितने भी यहां पर आए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन्हें भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आज इस मीटिंग में आकर के मुझे संबल दिया, मुझे विश्वास दिया, और मेरे ऊपर जो विश्वास रखा है मैं उन्हें अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आज से उनकी जो भी समस्याएं हैं वो मेरी समस्याएं होंगी, और जब तक उनकी एक एक समस्याओं का निवारण नहीं कर लेता हूं मैं ना शीर्ष नेतृत्व को बैठने दूंगा और ना ही मैं खुद बैठूंगा। उपाध्याय जी, आज ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, क्या कार्यक्रम था, क्या संपन्नता हुई? सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह जी ने जो भी दायित्व देते हैं पूरी कर्मठता के साथ में, निष्ठा और लगनता के साथ में पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। जैसा ही प्रदेश अध्यक्ष जी का यह निर्देश था कि आपको शिवपुरी जा कर के और वहाँ सर्वसम्मति से सभी संचालकों की एक राय के साथ में वहाँ का नेतृत्व तैयार करना है और जिलाध्यक्ष का वहाँ पर चयन करना है, इसी तारतम्य में प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल दीक्षित जी के नेतृत्व में संभागीय उपाध्यक्ष श्री बलविंदर सिंह रंधावा जी और सबसे बड़े सहयोगी के रूप में आज हमारे साथ भिंड से जिलाध्यक्ष अवधेश शर्मा जी आए, और बहुत अच्छा लगा। आज सभी लोगों की सहमति और सन्मति के साथ में सभी ने आज एक स्वर से, एक मत से अशोक ठाकुर जी का नाम जिलाध्यक्ष के लिए चयनित किया, और श्री SN उपाध्याय जी को उन्होंने सभी ने अपना संरक्षक माना है। तो इसके ये पूरे दृश्य में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इन दोनों ही नेतृत्वकर्ताओं से यही प्रार्थना करके जा रहा हूँ, आप प्रदेश नेतृत्व के, प्रदेश अध्यक्ष जी की उम्मीदों पर खरा उतरें और संचालकों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए आप लोग प्राण प्राण से जुट जाएं और सदैव उनकी मदद करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैं शिवपुरी के सभी संचालकों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ।